सबसे पहली चीज ये समझनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर स्केलर नहीं आएगा, आंसर वेक्टर आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस नी इंटू साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो ये साइन थीटा। अब क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी नंबर है, साइन थीटा भी कोई नंबर आएगा, ये मैग्नीट्यूड है। अब क्योंकि प्रोडक्ट आना क्या चाहिए? वेक्टर। वेक्टर के पीछे क्या लगेगी? डायरेक्शन। मान लो जो भी वैल्यू आती है 10, 15 कुछ भी, इनको मल्टीप्लाई करके अगर वो जो वैल्यू है, जो भी आंसर आया वो अलोंग एक्स एक्सिस आया तो पीछे क्या लगेगा? आई कैप। अगर वो वाई एक्सिस आया तो लगेगा जे कैप। अगर जेड एक्सिस आया के कैप। अगर ए वेक्टर के अलोंग आया ए कैप, बी वेक्टर के अलोंग आया बी कैप। तो इन जनरल क्या पुट कर दिया? एन कैप। डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की आंसर क्या होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये कैसे निकलता है ये सोचने वाली बात है, कैसे करेंगे? मैं करके दिखाता हूं। पर ये समझ में आ गया कि एन कैप क्या शो कर रहा है? एन कैप पीछे लगाना पड़ेगा टू शो दी डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? आई कैप क्रॉस जे कैप। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? आई क्रॉस जे। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो? वन। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? वन। और एंगल आई और जे में बोलो कितने हैं? 90। तो साइन ऑफ कितना? 90। कोई डाउट इसमें? अब पीछे एन कैप की बारी है, ये बहुत ध्यान से देखना है। एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन बताने के लिए या देखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपना राइट हैंड। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या करते हैं? ये आई क्रॉस जे है, ये जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। आई क्रॉस जे है, चार फिंगर राइट हैंड की चार फिंगर्स, ये पूरा हाथ आई कैप पे रख दो, क्योंकि आई क्रॉस जे है, चार फिंगर आई कैप पे रख दो। चार फिंगर को फोल्ड करो किसकी तरफ? जे की तरफ। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? आई क्रॉस जे। तो चार फिंगर आई पे क्रॉस जे। थंब कहां पर आ रहा है? बोर्ड के बाहर। बोर्ड के बाहर कौन सा कैप आ रहा है? के कैप। तो आंसर थंब जहां जाएगा वो डायरेक्शन ही पीछे लगेगी, तो पीछे क्या लगेगा? के कैप। फिर रिपीट, आई क्रॉस जे, थंब कहां आ रहा है? बाहर, के कैप। मैं ऐसे समझाता हूं, देखो सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, जे आई के, ये लो, ठीक हो गया। मैंने कहा आई क्रॉस जे, आई हाथ आई पे क्रॉस जे, थंब कहां पे आ रहा है? अलोंग के, के। फिर दोबारा देखते हैं, मैंने बोला जे क्रॉस के, ये जे है ये के है, चार फिंगर्स ली, जे जे पे रख दी, क्रॉस क्या करना है? के। तो ये हाथ कहां जाएगा? अलोंग के। थंब कहां आ रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या आएगा? आई कैप। तो चेक करो, जे क्रॉस के, वन वन साइन 90, क्योंकि जे और के में भी एंगल 90 होगा, लेकिन कैप क्या लगेगा? आई कैप। आई क्यों? क्योंकि मैंने फिर बताया ये जे है ये के है, जे के आई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? फिर देखते हैं के क्रॉस आई, इसकी जगह वन, इसकी जगह वन, एंगल फिर से 90, क्योंकि के और आई में भी एंगल क्या बनेगा? 90। अब क्या करना है हमने? के क्रॉस आई। फिर देखो के कहां पर है? ये रहा। आई कहां पे है? ये रहा। के ऊपर रखी फिंगर्स, क्रॉस क्या करेंगे? आई। थंब कहां आएगा? ऊपर। ऊपर कौन सा कैप है? जे। राइट कोई स्टूडेंट बोला कि ये तो बड़ा आसान है, ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों? कहते जो मिसिंग वेक्टर वो लगा दो, आई जे है तो पक्का ही के आएगा।
जे के आया तो मिसिंग आई है, के आया तो फिर जे है, ठीक है, क्या दिक्कत है? सपोज किसी को ये थंब रूल नहीं करना, कोई बात नहीं, एक आसान तरीका है, आप आए जे और के को लाइन में लिखें और आप इसको इस तरीके से इस ऑर्डर में चलाएं, कैसे? आए क्रॉस जे विल गिव के, जे क्रॉस के विल गिव आए, के क्रॉस आए विल गिव जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आए जे, लिख लिया। बट अब ध्यान से, अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने बोला कि आई क्रॉस जे निकालो, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आई है, ये जे है, तो थम कहाँ आया, के, वेदांती, ये आई है, ये जे है, के, मैंने बोला जे क्रॉस आई निकालो, उल्टा, ये जे है, ये आई है, उल्टा करें, ये जे है और ये आई है, देखो आई क्रॉस जे में हाथ ऐसे चल रहा था, आई से स्टार्ट होके जे तक, और जे क्रॉस आई में उल्टा चलेगा, जे से स्टार्ट होके आई तक, थंब कहाँ आएगा, बोर्ड के अंदर, बाहर कौन सा कैप था, के, अंदर कौन सा कैप है, नेगेटिव वेक्टर माइनस के, तो इसलिए अगर ऑर्डर चेंज किया तो यहां पर क्या आएगा, माइनस के, बता रहा हूं, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, थंब रूल से बता तो रहा हूं, आई क्रॉस जे अगर निकाल पाए के तो ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस के, आपने ये थंब रूल चलाना नहीं है, आपने सिंपल एक शॉर्टकट लगाना है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे चलती हैं चीजें, आपने रूल कोई थंब नहीं यूज करना, आपने ऐसे लिखना है, ये बना लिया सीक्वेंस, आपने शॉर्टकट लगाना है, आई क्रॉस जे विल गिव के, जे क्रॉस के विल गिव आई, के क्रॉस आई विल गिव जे, ये लिख लिए तीन फॉर्मूले, लिख लिए तीन फॉर्मूले, इनका ऑर्डर चेंज करो, अगर जे क्रॉस आई किया तो आंसर माइनस के, अगर के क्रॉस जे किया तो आंसर माइनस आए, अगर आई क्रॉस के किया तो आंसर माइनस जे, छह फॉर्मूले इसके अलावा आएगा ही नहीं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आप इन फॉर्मूलाज को देख पा रहे हो कि अगर कल को यूज करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर चेंज किया तो माइनस आएगा, ये लिखो, इसके बाद ये तो लिख ही लोगे, उल्टा घुमाओगे तो ये भी लिख लोगे, बात खत्म, तो छह चीजें होंगी, थंब यूज करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अभी सिर्फ आई जे में कैलकुलेशन है, ए क्रॉस बी क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी, यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा ये करना कैसे है। देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा, अब हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं, ध्यान आगे सबका, ए क्रॉस बी, तो ए की जगह ए वेक्टर, क्रॉस की जगह क्रॉस, बी की जगह बी वेक्टर, जैसे डॉट प्रोडक्ट करते थे वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट, यहां डॉट होता था इसमें क्रॉस है, वो डाउट इसमें, हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, हर टर्म को हर के साथ मल्टीप्लाई और शॉर्टकट बनाते थे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, इसमें करके देखते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, आई को पहले इससे 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 क्रॉस करेंगे, क्रॉस नहीं छोड़ना, इस टर्म को इससे 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 क्रॉस करेंगे, फिर के को इससे 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 क्रॉस करेंगे, तो कुल मिला के 9 टर्म्स खुल के आएंगे, करके देखते हैं। आई क्रॉस 2 आई, 2 कांस्टेंट बाहर रखो, तो आई क्रॉस आई लिख दिया। नेक्स्ट, इसको इससे करो माइनस आई क्रॉस जे, लिख दिया, ऑर्डर चेंज मत कर देना, आई क्रॉस जे लिखना, जे क्रॉस आई मत लिखना, एक ही बात नहीं है, तो आई क्रॉस जे लिख दिया, इसको इससे करो, 2 बाहर आ गया, आई क्रॉस के, 3 टर्म्स आ गई, अब जे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 बाहर आ गया, जे क्रॉस आई, ये ना, फिर जे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस जे क्रॉस जे, फिर जे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 जे क्रॉस के, फिर के को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बाहर आ गया, के क्रॉस आई, फिर माइनस बाहर आ गया, के क्रॉस जे, के को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 के क्रॉस के, 9 टर्म्स लिख लोगे ऐसे, कोई डाउट इसमें, ओपन ही किया ऐसे। अब ओपन करने के बाद हमें फॉर्मूलाज आते हैं, आई क्रॉस आई क्या है, क्यों 0, इसके लिए ऊपर आ जाओ, मैंने ये तो आपको बता दिया सारा
ये बता देता हूं, आई क्रॉस आई अगर कैलकुलेट करना हो तो 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, आई का आई के साथ ही एंगल क्या बनेगा 0, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0, तो ये आंसर क्या आएगा 0। अगर मैं अकेला 0 लिखता हूं तो आप मुझे कहेंगे कि दो आप एक वेक्टर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं मैंने वेक्टर लगा दिया क्योंकि मैंने को बताया था 0 कैन बी टेकन एज अ नल वेक्टर। तो डायरेक्शन पूछोगे मैं बोलूंगा पता नहीं क्या, तो नल वेक्टर कुछ भी नहीं डायरेक्शन, क्लियर है यहां तक? दिखाने के लिए वेक्टर की देखो मैंने वेक्टर लगाया, अदरवाइज 0 ही है। ऐसी जे क्रॉस जे पे 0, साइन 0 आएगा तो 0, के क्रॉस के भी क्या होगा 0, क्लियर है यहां तक? तो आप नीचे आ जाओ, अब ये देखो चेक करो, आई क्रॉस आई क्या आया 0, आई क्रॉस जे क्या होता है के, आई क्रॉस के क्या होता है ये रहा, आई क्रॉस जे के इज माइनस जे, ये रहा, जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, जे क्रॉस जे क्या होता है 0, जे क्रॉस के क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे, मतलब ये सारे फॉर्मूला तो ऊपर लिख रखे हैं, इन में से सारे फॉर्मूलाज को पुट कर दिया, राइट? यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब माइनस के कैप बच गया, ये रहा माइनस के कैप, ये तो 0 है, 2 इंटू माइनस जे कैप, 2 इंटू माइनस के कैप, ये 0 आ गया, 2 इंटू आई कैप, 2 इंटू जे कैप और माइनस माइनस प्लस आई कैप। आई वाली टर्म्स आई में ऐड कर देते हैं, 2i प्लस आई 3i, जे वाली टर्म तो जे से क्या हो गई कैंसल, और के वाली टर्म में माइनस के और माइनस 2k विल गिव माइनस 3k आंसर। तो आंसर चेक करो आई जे के में आ रहा है, IJK में आने का मतलब डायरेक्शंस की भी फॉर्म में आ रहा है, इट इज अ वेक्टर आंसर, वेक्टर फॉर्म में आंसर आया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? डॉट प्रोडक्ट ठीक नहीं था? डॉट प्रोडक्ट आसान था, पेन को बिना हाथ लगाए फटाफट आंसर आता था, क्रॉस लंबा नहीं है, मैं इसको छोटा करता हूं, ये मेथड बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, लेकिन ये एक्चुअल मेथड है, पहले क्यों नहीं बताते? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मैथ से एक तरीका है, मैथ्स वाले करवाते हैं ये तरीका, हम लोग फिजिक्स वाले वही करवाते हैं, पर हम यूज यही करेंगे, बहुत सही तरीका है। ए क्रॉस बी निकालना है, और मजे की बात ये है इस मेथड में आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई आई क्रॉस जे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिना फॉर्मूले के आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सुना हुआ है, मैट्रिक्स सॉल्व करना, कईयों को नहीं सुना होगा, कईयों को सुना होगा, कोई बात नहीं मैं सिखा देता हूं। तो क्या करना होता है, ए क्रॉस बी में आपने ये मैट्रिक्स बनाना है, इसके अंदर स्टैंडर्ड है, आपने लिखना है आई कैप, फिर आपने लिखना है माइनस जे कैप, हर क्वेश्चन में माइनस जे कैप, ये पोजीशन पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है ये मैथ्स के टीचर प्लस टू में नॉन मेडिकल वालों को सिखाएंगे, मेडिकल को सीखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड याद करें। तो फिलहाल के लिए आई कैप माइनस जे कैप और के कैप लिख लिया, उसके बाद ए वेक्टर में आई का कोफिशियंट 1 है, जे का कोफिशियंट 1 है, के का कोफिशियंट 1 है, बी वेक्टर में आई का कोफिशियंट 2 है, जे का कोफिशियंट माइनस 1 है, के का कोफिशियंट 2 है, लिख लिए कोफिशियंट्स, ये जे 1, ये ए के कोफिशियंट है, ये बी के कोफिशियंट है, ए का कोफिशियंट 1 1 1, नहीं नहीं पोजीशन इसकी नेगेटिव है, सबकी नहीं, सिर्फ इसकी, ये नहीं, ये तो एज इट इज एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, कोफिशिएंट्स एक्चुअल है, इसकी पोजीशन नेगेटिव है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना प्लीज। आई कैप लिखो पहले, आई कैप लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, आई कैप, आई कैप के नीचे जो भी नंबर है इसको नहीं देखना,
और इसकी लाइन में जो भी है नहीं देखना, तो आपको चार नंबर दिखेंगे सिर्फ, इसके अलावा ना ये देखना है ना ये देखना है, चार नंबर दिख रहे हैं। आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, और आपस में दोनों को माइनस कर देना है। कैसे? वन इंटू टू माइनस माइनस वन इंटू वन, लिख दिया आपने, लिखा आई कैप, ये नंबर छोड़ दिए, चार नंबर दिखे, तो फिर देखो इधर यहां से शुरू करना है, वन इंटू टू माइनस वन इंटू माइनस वन, को डाउट इसमें? फिर उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखना है, माइनस जे कैप लिखना है, माइनस जे कैप लिख दिया। अब माइनस जे कैप के नीचे और साइड पे जो नंबर है नहीं देखने, फिर चार नंबर दिखेंगे, एक दो तीन और चार, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखो आगे, वन इंटू टू माइनस वन इंटू टू, ये स्टेप भी क्लियर है। अब बारी किसकी है? के कैप की, तो के कैप के नंबर नीचे छोड़ दो और ये छोड़ दो, चार नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर छोड़ देते हैं, वन इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू टू, ये टर्म आ गई आपके पास। सॉल्व करें तो ये क्या बन गया, टू माइनस माइनस प्लस, ये क्या है टू और ये क्या है टू, ये क्या है माइनस वन वो है टू, सॉल्व करें, टू से टू गया जीरो, टू प्लस वन थ्री, और ये क्या आ गया माइनस के कैप, चेक कर लो वही आंसर आ गया जो पिछली स्लाइड पे आया था। और ये ज्यादा आसान मेथड है, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करें प्लीज, पहले ऊपर वाले को देखें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालें प्लीज। देखो क्वेश्चन इज, स्टार्ट यहां से करने, चेक करते जाओ प्लीज, स्टार्ट यहां से करेंगे आई माइनस जे के से, ए वेक्टर का कोफिशियंट कितना है टू, नेक्स्ट माइनस थ्री एंड फोर, बी का कितना है वन फाइव माइनस सिक्स, को डाउट इसमें? क्या है पॉइंट, क्लियर है? ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई कैप के साथ स्टार्ट, आई कैप के नीचे और साइड पे छोड़ देंगे, चार नंबर दिखेंगे, तो माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव, पहली टर्म, स्टेप क्लियर है? आई कैप के नीचे के नंबर छोड़ दिए, चार नंबर दिख रहे हैं, तो माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव, ठीक है यहां तक? माइनस जे कैप, जे कैप ये नंबर छोड़ दो, टू इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू वन, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट के कैप के को छोड़ देते हैं, चार नंबर दिखेंगे, तो टू इंटू फाइव माइनस माइनस थ्री इंटू वन, ये स्टेप क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई कैप माइनस एटीन
माइनस 20 यही आएगा, सॉरी प्लस 18 माइनस 20 माइनस जे कैप माइनस 12 माइनस 4 प्लस के कैप 10 प्लस 3, तो यहां पर क्या आएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 13 के कैप। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ओके क्लियर है यहां तक? तो क्रॉस प्रोडक्ट सबको क्लियर है कैसे होगा? और ये ज्यादा आसान मेथड है उस मेथड से। हाँ लगाओ, स्कूल में लगाने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है यहां तक। एक काम करो, वेक्टर चेंज करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज। इफ ए वेक्टर इज आई कैप एंड बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। ये करो। हाँ जीरो जीरो लेंगे। कैसे बनाया? ए वेक्टर में सिर्फ आई कैप है तो मान लिया, बी और सी में जीरो जीरो, और बाकियों में तो लिख ही लिया, तो सही है। आई कैप तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो माइनस जीरो, माइनस जे कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई तो वन माइनस जीरो, और ऐसी के कैप इसको छोड़ देते हैं तो वन माइनस जीरो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए माइनस जे कैप प्लस के कैप, बाकी तो सेम है मेथड। पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है? जैसे प्रॉपर्टी की थी या प्रॉपर्टीज की थी डॉट प्रोडक्ट की, कि कहां कहां डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, वैसी प्रॉपर्टीज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, कि कहां कहां क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और अगर मान लो मैं इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है बी, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ कितनी है बी, ये एंगल मान लो कितना है थीटा इस, और इमेजिन करो एक राइट जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो साइन थीटा इसमें क्या होगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही। साइन थीटा इज, मान लेते हैं ये साइड वाई है अपॉन बी, तो साइन थीटा इज वाई अपॉन बी, तो वाई क्या होगा बी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हाइट क्या आ गई बी साइन थीटा, ज्योमेट्री अपनी वो ट्रिग्नोमेट्री लगाई आपने, साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और अगर मैं ये कहूं कि एरिया बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, आप क्या बोलोगे, बेस, बेस की लेंथ कितनी है ए, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितने बी साइन थीटा, तो ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लो, ए क्रॉस बी होता क्या है, ए बी साइन थीटा के पीछे एन कैप, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा के पीछे एन कैप, और मैंने बाहर क्या लगा दिया मॉड, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वन, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा ए बी साइन थीटा। पर ए बी साइन थीटा इस पैरेललोग्राम से क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये स्टेप समझ में आया यहां तक कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आंसर दे रहा है, और हमने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी सेम आंसर दे रहा है, रिजल्ट याद रहेगा। ठीक है यहां तक, तो आज के बाद अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए इट विल गिव एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा
इफ साइड ऑफ पैरलोग्राम आर रिप्रेजेंटेड एज, अगर एक पैरलोग्राम है उसकी साइड्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरलोग्राम निकालो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, आई माइनस जे के, ए का कोफिशियंट 1 1 2, बी का कोफिशियंट 2 3 1, फिर आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस इनटू दिस, माइनस जे कैप दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, के कैप दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये रहा, सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करके ये आ जाएगा, ये वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आई, पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो याद है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इसका अगर मॉड लगेगा, अगर यहां हम मॉड लगाएं तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, माइनस फाइव होना चाहिए, एक ही बात है खैर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकलता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू आई जे के देख के कैसे निकलती है, हमने लास्ट टाइम किया, सॉल्व करेंगे आंसर आ गया, ये इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। तो अगर मान लो कल को क्वेश्चन आता है ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, तो पहले क्या निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे के में आंसर आएगा, उसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, ठीक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब कि जबकि डॉट प्रोडक्ट है उसमें क्या करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता, क्यों, इमेजिन करो ये आई कैप है और ये जे कैप है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं इनका तो मेरा आंसर क्या आता है, माइनस के, रिवर्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रही है, और ये दो वेक्टर इक्वल नहीं माने जाएंगे क्योंकि बीच में किसका फर्क आ रहा है, माइनस का, क्लियर है यहां तक, तो ये रूल बन गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, पहली बात तो ये समझ लो ये बराबर नहीं है, पर आप कहते हो मेरे को बराबर करने हैं, कैसे, कि अगर आप ये लिखते हो ये ए क्रॉस बी है और आप अगर इनको इक्वल करना चाहते हो तो फिर साइन आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर नेगेटिव, फिर ये इक्वल माने जाएंगे, आपने कहा वो कैसे, इमेजिन करो, इधर देखो, इमेजिन करो कि सपोज ए वेक्टर मेरा आई कैप है, इमेजिन कर लो, बी वेक्टर को सपोज कर लो कितना है, जे कैप है, और यहां पे माइनस बी वेक्टर क्या है, जे कैप, ए वेक्टर क्या है, आई कैप, ले लिया, अच्छा बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर क्या आएगा, के कैप, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो सेम हो गया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एकदम सही लिखी हुई है कि कल को अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल लिखना चाहते हो तो फिर साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, अदरवाइज तो ये इक्वल होते ही नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है, माइनस साइन क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन का इफेक्ट शो कर रहे हैं, कोई डाउट इसमें, तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव करके दिखाया है कैसे हुआ, ना ना प्रूविंग नहीं आती, वैसे बता रहा हूं प्रॉपर्टी कि कल को अगर मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चल रहा था और कल को उठा के मैंने बी वेक्टर इनटू क्रॉस ए वेक्टर कर दिया, ऐसे ही चेंज कर दिया तो फिर साइन आगे माइनस लगा दूंगा, हो सकता है जरूरत पड़ जाए, प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, जब पड़ेगी तब याद करा दूंगा, पर अभी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हो सकता है, ठीक है, अच्छा अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल या तो जीरो है या फिर 180 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का जीरो होगा, वो क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी में अगर एंगल जीरो हुआ, साइन जीरो मैथ्स में जीरो होता है तो आंसर जीरो आएगा, और अगर 180 हुआ तो मैथ्स में साइन 180 भी जीरो होता है तो आंसर फिर से जीरो ही आएगा, बस वेक्टर नल वेक्टर बोल देना, आंसर जीरो ही आएगा, तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो आंसर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया जाएगा तो ए इंटू ए इंटू ए वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल क्या होगा, जीरो, बिकॉज ए वेक्टर खुद के साथ एंगल क्या बनाएगा, जीरो, साइन जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, डाउट इसमें, तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ
जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो। तभी तो आई क्रॉस आई क्या आया था, जीरो। जे क्रॉस जे क्या आया था, जीरो। के क्रॉस के, जीरो। ए क्रॉस ए, जीरो। बी क्रॉस बी, जीरो। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगल उनके बीच में कितना हुआ, 90। तो जब ओपन करेंगे ए क्रॉस बी और साथ में मॉड लगा हुआ है तो डायरेक्शन नहीं लेनी, ओनली मैग्नीट्यूड। तो यानी कि ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड माना जाएगा तो ओनली ए बी साइन थीटा। तो थीटा अगर 90 है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए बी। पर इसको याद करने की जरूरत क्या है, तो हम सीधा जब न्यूमेरिकल आएगा उसको 90 पुट कर लेंगे, अपने आप ही हमारे पास उस टाइम आंसर आ जाएगा। बट प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि अगर 90 होगा तो 90 पुट करेंगे, जीरो एंगल होगा तो जीरो पुट कर देंगे। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से एक टर्म है टॉर्क। ये टॉर्क बीच बीच में आ जाती होती है। अभी टॉर्क कैसे जनरेट हुआ कोई कुछ नहीं एक्सप्लेन, कोई क्वेश्चन नहीं, टॉर्क कैसे हो गया, पंखा कैसे घूम गया, कुछ नहीं पूछना। टॉर्क का फॉर्मूला बता रहा हूं। कई लोगों ने अपने स्कूल में 9th-10th में सुना भी होगा टॉर्क का फॉर्मूला, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कुछ ऐसे याद करते हैं। जो नहीं सुना तो वो सुन ले। जो टॉर्क है उसका सिंबल क्या होता है, फोर्स का एफ होता है, आर का डिस्प्लेसमेंट होता है, टॉर्क का ये टाउ होता है, सिंबल का नाम है टाउ। इट्स अ वेक्टर, टॉर्क एक वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सिस के अलोंग चलता है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर क्रॉस एफ, क्योंकि ये वेक्टर है, आर और एफ के बीच में आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, तो बीच में या डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो बीच में क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ये फॉर्मूला याद करना है आपने। ये फॉर्मूले को कैसे प्रूव करना है, ये रोटेशनल मोशन करके चैप्टर आएगा 2-3 महीने बाद, उसके अंदर ये प्रूव करवाया जाएगा ये फॉर्मूला बनता कैसे है, अभी के लिए याद करना है। तो टॉर्क वेक्टर है जिसका फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है तो आर गिवन होगा, एफ गिवन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आ जाएगा टॉर्क वेक्टर। अब ये एक क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इस ये है एक लाइन का, पर इसके अंदर मीनिंग थोड़ा डीप है। पहले एक बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। यूनिट वेक्टर तो चलो छोड़ो, एक कोई भी वेक्टर गिवन है, मान लो आई वेक्टर गिवन है, आई कैप है कुछ भी, आई कैप है एंड ये जे कैप है, दो वेक्टर मैंने आपको दे दिए, एक आई कैप है और एक जे कैप है। ये आई कैप है और ये जे कैप है। मेरा क्वेश्चन है, एक ऐसा वेक्टर बताओ जो आई के साथ भी 90 डिग्री पे हो और जे के साथ भी 90 डिग्री पे हो। आप बोलेंगे के कैप, क्योंकि देखो ये पेन इसके साथ 90 एंगल बना रहा है, ये पेन इसके साथ भी 90 एंगल बना रहा है, तो आंसर के कैप या माइनस के कैप कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट इसमें, सही है? इस बात को डायग्राम के बिना अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना हो तो एक बहुत सही तरीका है मेरे पास। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो आई के साथ भी 90 एंगल बनाए, जे के साथ भी 90 एंगल बनाए। अब सिंपली क्या करो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, जो आंसर आएगा बोलो क्या आंसर आएगा, वो इसके साथ भी 90 पे होगा, इसके साथ भी 90 पे होगा, सिंपल है। तो मतलब डायग्राम आज के बाद कुछ कोई नहीं ड्रॉ करेगा, ना ही कोई पेन लेके इमेजिन करेगा। अगर मैं कहूंगा आई कैप है या दूसरा कोई भी वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो आंसर जो है इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो आपने सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ए वेक्टर एक वेक्टर है, बी वेक्टर एक वेक्टर है, एक ऐसा नया वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर के साथ भी 90 एंगल बनाए और बी वेक्टर के साथ भी 90 एंगल बनाए। अब डायग्राम तो क्या बनेगा ए बी का, तो कुछ नहीं करना, सिंपली ए क्रॉस बी उठा के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनको क्रॉस प्रोडक्ट ले, मैंने सॉल्व ले लिया, वो मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना, आई माइनस जे के पूरा सॉल्व करके आपके पास ये आएगा। ये जो वेक्टर होगा वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये वेक्टर जो होगा वो इसके साथ भी 90 एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये है, पॉइंट समझ में आया? तो कल को अगर वो पूछेगा कि मेरे को एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के साथ एंगल 90 बनाए, तो आपने कुछ नहीं करना, इसका मतलब आपको क्या यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल। अपने आप एक नया वेक्टर आएगा, ऑटोमेटिकली 90 ही बनाएगा। क्लियर यहां तक? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने क्या बताया कि जो वेक्टर आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके ये वेक्टर आया, दोनों के साथ 90 एंगल बनाएगा। हालांकि इसने क्वेश्चन पूछा कि मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए,
जो इनके साथ एंगल 90 बनाए, तो पर मैंने क्या निकाल दिया, कंप्लीट वेक्टर निकाल दिया, कोई बात नहीं, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर इसके और इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर वेक्टर पूछता है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर यूनिट वेक्टर पूछता है तो इसका आगे एक फर्दर स्टेप और कर देना। ये क्लियर है? मेरा क्वेश्चन है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल सपोज थीटा है, मुझे कैलकुलेट करके बताओ ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो कोई नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर ए के साथ भी और बी के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अभी रूल किया आपने, ए क्रॉस बी करेंगे तो नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर जो भी होगा वो ए और बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आपने, आपको समझ में आ रहा है, जो नया वेक्टर आएगा वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा किसके साथ, ए के साथ बी के साथ। तो देखो, जो नया वेक्टर आया वो ए के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होगा, जीरो। अच्छा चलो, ऐसे ही समझ में आता है, ऐसे कर लो, मान लेते हैं ये आई कैप है, बेस्ट तरीका यही होता है, आई कैप है जब इमेजिनेशन नहीं काम करती, मान लेते हैं ये जे कैप है, तो मुझे बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। अब के कैप आई और जे दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो। उसने पूछा जो आंसर आया वो ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है, आई कैप के साथ एंगल क्या बना रहा है 90, तो आंसर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो, क्योंकि के डॉट आई क्या होता है 90, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी आपको एक नया वेक्टर देगा जो ए के साथ भी 90 पे होगा और बी के साथ भी 90 पे होगा, तो ये ए है ये बी है और नया वेक्टर दोनों के साथ 90 पे है, तो बताओ कि ये जो नया वेक्टर है वो ए के साथ क्या एंगल बना रहा है 90, जो नया वेक्टर आएगा वो ए के साथ तो 90 बनाएगा, तो नए वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमने प्रॉपर्टी की थी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, आंसर इज जीरो। नहीं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ए को मान लो आई, बी को मान लो जे, वैसे ही पता लग जाता है आंसर क्या है, कोई डाउट इसमें। तो ये रूल समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो एक नया वेक्टर आता है वो वेक्टर ए के साथ भी 90 बनाता है और बी के साथ भी हमेशा 90 ही बनाएगा। क्लियर है यहां तक? कहां पे, यहां पे। तो फिर अगर क्रॉस होता तो आंसर फिर पता नहीं क्या आता, फिर ए बी साइन थीटा लिखता मैं,
इसको ए लिखता, ऐसे लिखता, ये कह रहा है अगर ये क्रॉस होता तो इमेजिन करो, फिर एक काम करते हैं, जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये आई कैप है, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस आई, अब आंसर जीरो तो नहीं होगा, तो देख लेना जैसे भी होगा, हाँ मतलब आपको ए बी में छोड़ना पड़ेगा फिर आंसर, जीरो तो नहीं होगा कम से कम, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, मैंने जान के डॉट प्रोडक्ट के साथ पूछा था कि आंसर जीरो आए, ठीक, ओके, आपको एक सब्जेक्टिव शीट मिली होगी, सब्जेक्टिव शीट नंबर 8, सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 और ऑब्जेक्टिव शीट नंबर, ऑब्जेक्टिव नहीं मिली, अच्छा आपको ये शीट नहीं मिली, ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर 8 एंड 9 अभी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अभी।